आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितने तरीक़ों से हम लोग एक कलेक्शन के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर बात करी थी एक डेटाबेस को सबसे पहले क्रिएट कैसे करा जाएगा उसके अंदर हम लोग डेटा भी इंसर्ट करा था अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना मैंने उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट करा था तो आज हम लोग बात करेंगे कितने तरीके हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी ये बेसिकली मोंगो की ऑफिशियल वेबसाइट है इन्होंने बता रखा है इन्होंने बता रखा है कि आप करड ऑपरेशन देख सकते हो यहाँ पे मैंने करड ऑपरेशन पे मार चुका हूँ यहाँ पे इन्होंने बता रखा क्रिएट ऑपरेशन ठीक है मोंगो टू बी प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग मेथड्स टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट इन टू ए कलेक्शन मतलब आप लोग एक कलेक्शन के अंदर दो टाइप से क्या कर सकते हो डेटा को इंसर्ट कर सकते हो एक तो आपका इंसेट वन है जो हम लोगों ने कल देखा था ठीक है और एक आपका सिंपल इंसेट मैनी होता है अब इंसेट वन हमने देखा था इंसेट मैनी हमने नहीं देखा था दोनों आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं और अगर आप लोग इस पेज पर पे आते हो तो ना लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप लोग इस पेज पर आते हो तो आपको और भी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इससे पढ़ सकते हो वैसे तो हम लोग ये सारी चीज़ देखने वाले हैं सीरीज़ के अंदर डोंट वरी आपको टेंशन लेनी नहीं है लेकिन हाँ आप लोग थोड़ा थोटिकली जाना चाहते हो थोड़ी चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इस पेज पर पे आ कर पढ़ सकते हो और मैं इसका जो है कंप्लीट लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर बढ़िया अब एक काम करेंगे हम लोग हमारा मोंगोडी हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये देखो मैंने अब यार काफ़ी लोगों की कविर ये भी होती है कि हमारा जो टर्मिनल है वो ब्लैक आ रहा है और आपका वाइट कैसे आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप राइट क्लिक करो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाओ और यहाँ से अपना कलर वगैरह सेटिंग वगैरह कर लो ठीक है आपका हो जाएगा ठीक है बढ़िया थोड़ा जूम करता हूँ मैं इस तरीके से और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब कुछ क्लीन करके मोंगो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है मोंगो लिखना है यार so, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और अब देखो मुझे टेस्ट बता रहा है मैं एक काम करूँगा मैं देखना चाहूँगा डेटाबेस कितने अवेलेबल है मेरे पास तो हमने कल डेटाबेस बनाया था सी डब्ल्यू ए और डी बी नाम से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ शो डी बी एस करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो सी डब्ल्यू ए डी बी एक डेटाबेस है अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था आपको यूज़ कर यूज़ लिखना है और उसके आगे डेटाबेस का नाम रखना है तो वो डेटाबेस अगर है तो उसके अंदर स्विच कर जाएगा अगर वो डेटाबेस नहीं है तो वो डेटाबेस को ओपन कर देगा बना देगा मतलब ठीक है तो मैं अभी करूँगा क्या मैं लिखूँगा यूज़ सी डब्ल्यू ए मुझे क्या लिखना है सी डब्ल्यू ओके सी डब्ल्यू ए लिखना था तो मुझे यहाँ पर लिखना है सिंपल सी एंड यहाँ पे सी डब्ल्यू ए डी बी इंटरप्रेज करूँगा और आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो एक सी डब्ल्यू ए डी बी डेटा था जिसके अंदर मैं अभी स्विच कर चुका हूँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हाँ यार बढ़िया है अच्छी बात है मैं देखना चाहूँगा कि मेरा एक्टिव डेटाबेस कौन सा है तो मैं अगर डी बी यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे बता देगा कि ये यह आपका यहाँ पे एक्टिव डेटाबेस है सी डब्ल्यू ए डी बी ये छोटी छोटी कमांड आपको यहाँ पर याद ही रखनी पड़ेगी ठीक है बढ़िया अब देखो मैं देखना चाहूँगा सी डब्ल्यू डी बी के अंदर कुछ है क्या तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं सबसे पहले तो उसके अंदर कलेक्शन देखना चाहूँगा कि भाई कलेक्शन इसके अंदर कोई है या नहीं है वैसे मैंने बनाया था एक कल लेकिन देखते मैं अगर यहां पे शो कलेक्शन लिखता हूं, इस तरीके से करता हूं तो इसके अंदर एक स्टूडेंट नामक कलेक्शन है अगर मैं पे लिखता स्टूडेंट इस तरीके से और मैं यहां पे लिखता हूं फाइंड मुझे फंक्शन नहीं मुझे पे फाइंड लिखना पड़ेगा और इंटरप्रेज करता हूं तो इसके अंदर जो भी मैंने यहां पर डेटा डाला था ना वो आप लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हो वो यहां पर डेटा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो इसकी आईडी, इसका नेम इसका एज स्टेटस इसका सब कुछ अच्छे से इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करके मुझे दिया है जो कि अच्छी बात है अब हम लोग करेंगे क्या हम लोग सबसे पहले मेथड देखेंगे देखो सबसे पहला मेथड तो हम लोगों ने वैसे कल भी देखा था लेकिन आज भी मैं बताता हूँ अगर आपको एक डेटा इंसर्ट करना है तो आप लोग करोगे क्या आप लोग यहाँ पे सिंपल लिखोगे इंसर्ट वन अगर आपको एक डेटा ऐड करना है ना मतलब एक आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आप लोग क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे इंसर्ट वन और वो किस तरीके से लिखोगे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे लिखो सिंपल डी बी डॉट स्टूडेंट डोट लिखना है मुझे यहाँ लिखना है सिंपल डी बी डॉट स्टूडेंट इस तरीके से और इसके अंदर आके इंसर्ट इंसर्ट वन और इसके अंदर आप लोग आओ यहाँ पे इस तरीके से आपको करली ब्रैकेट्स देने एज़ इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रैकेट्स आप लोग प्रोवाइड करो अब जैसे मुझे यहाँ पे नेम मान लो कि मुझे अभी इस बार से ये एक नेम और और यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट की मान लो कुछ होगा जैसे मान लो उसका नाम है आ, रोहन इस तरीके से और उसका कोमा लगा के मान लो मैं यहाँ पर एज लिखता हूँ एज मान लो उसकी है ट्वेंटी और इसी के साथ साथ अगर मैं उसका जो स्टेटस है वो मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू लिखता हूँ यार मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपका कोई भी कितना बड़ा भी डेटा हो सकता है मैंने तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया है बस ठीक है स्टेटस मैंने यहाँ पे ट्रू मतलब मैं पोलियन वैल्यू भी इसमें पास कर सकता हूँ ठीक है और मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूँगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अगर ये आउटपुट आपके सामने आया इसका मतलब डेटा प्रॉपरली इंसर्ट हुआ और आपके सामने आएगा एक्नोलॉज ट्रू और उसके एक ऑब्जेक्ट आईडी मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ऑब्जेक्ट आई इसको हम लोग गेट कर सकते हैं ठीक है अभी ये एक ऑब्जेक्ट आई डी मैं आपको दिखाता हूँ वो डेटा ऐड हुआ है इसके अंदर तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये कमांड अगैन यूज़ करनी पड़ेगी तो मैं लिखूंगा लिख ही लेता हूँ मैं इसको डी बी डोट स्टूडेंट डोट फाइंड इस तरीके से ठीक है अभी देखो जैसे मैंने पहले कमांड रन करी पहले मुझे एक डेटा मिल रहा था लेकिन अब मैंने एक और बनाया ना यहाँ पे इस तरीके से तो अब मुझे कितने मिलते हैं देखना इंटरप्रेज़ करता हूँ मैं अब यहाँ पर मैंने इंटरप्रेज़ करा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे दो डेटा मिल रहे हैं आप लोग क्लियरली देख सकते हो एक है देखो ये मुझे एक कम्प्लीट एरे मान सकते हो आप लोग मतलब ये बीसोन होता है वैसे तो ये आप लोग मान सकते हो एक एरे और एरे ऑफ एंड ओ ऑब्जेक्ट आप लोग इसको बोल सकते हो लेकिन एग्जैक्टली ये बीसोन होता है तो इसमें पहला तो ये है और दूसरा जो अभी मैंने बताया रो, बनाया रोहन इसकी एज ये इसका स्टेटस ये तो आप लोग देख सकते हो तो मैंने बताने का मैन मुद्दा क्या था इंसर्ट वन करके भी हम लोग इस तरीके से एक एक डेटा को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत सारे डेटा ऐड करने हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा सिंपल इंसर्ट मैनी यहाँ पे देखो वेबसाइट पे इन्होंने बताया है इंसर्ट मैनी आप लोग लिखोगे तो आप लोग किस तरीके से लिखोगे मैं आपको बताता हूँ मैं सब कुछ पहले क्लीन करता हूँ सब कुछ ठीक है आपको लिखना है सबसे पहले यहाँ पे डी बी डोट स्टूडेंट यार मैं कोमा किस तरीके से लिख देता हूँ बार बार मुझे यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट ठीक है और आपको लिखना है एम कैपिटल और मैनी आपको लिखना है इस तरीके से बढ़िया इस तरीके से आपको लिखना है ठीक है और इसके अंदर देखो अगर आपको मैनी ऐड करने हैं तो पहले मैं इंसर्ट वन कर रहा था तब तो मैं इस तरीके से एक करनी ब्रेकेट्स यहाँ पे दे रहा था मतलब इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना रहा था अब मैं करूँगा क्या अब मैं कुछ इस तरीके से रख के कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ जितने मुझे ऐड करने हैं मैं इस तरीके से यहाँ पे कोमा देगी इस तरीके से यहाँ पे रख सकता हूँ अब मान लो कि एक नेम है एक किसी का नाम है और उसका नाम है मान लो सचिन इस तरीके से और मैं ओनली उसकी एज यहाँ पे रखता हूँ एज यहाँ पे मान लो मैंने ट्वेंटी फोर रख दिया ठीक है इस तरीके से मैंने एक एज ट्वेंटी फोर रख दी और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक नेम और रखता हूँ जिसका नाम है Uh, कुछ भी रख दो मैंने यहाँ पे रख दिया हितेश और यहाँ पे सिंपल मैं लिखूँगा इसकी एज और एज मैंने मान लो कितनी मैंने यहाँ पे ट्वेंटी वन डाल दी मान लो ठीक है और एक मैं और ले सकता हूँ ना यहाँ पे तो एक मैं यहाँ पे ले सकता हूँ सिंपली और क्या ले सकता हूँ मैं नेम ले सकता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ जैसे और क्या रौनक डाल देते हैं इस तरीके से रौनक मैंने डाल दिया और यहाँ पर मैं सिंपल एज पास कर देता हूँ और एज मैंने पास कर दी इसके अंदर मान लो कितने में पास करूँ चलो मैंने ट्वेंटी फाइव सेट कर दिया यार कुछ इस तरीके से मैंने डेटा रखा है तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो डी बी स्टूडेंट इंसर्ट मैनी नेम सचिन एज मतलब इसमें देखो इंसर्ट मैनी आप लोगों ने करा तो एक तो आपका ये हो गया एक आपका ये हो गया ठीक है एक आपका ये हो गया इस तरीके से और भी हो सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग अगर बहुत सारे करना चाहते हो तो आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो अगर मैं आपको यहाँ पर इंटरप्रेस करके दिखाऊँ इसमें तो इसमें देखो यार यहाँ पे बोल रहा है मोंगो इनवेलिड आर्गूमेंट एरर और ये बोल रहा है कि आर्गूमेंट डी ओ सी एस मस्ट बी एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ देखो यार सिंपल सी बात है कि आपने कर दिया आपने कर दिया तो आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूँ मैं इसको कॉपी भी नहीं कर सकता यार अभी के लिए तो मैं काम करता हूँ जल्दी से इसको लिख लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ मैंने गड़बड़ी क्या करी यहाँ पर अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे ऊपर चीज़ें लिखी है वो मैंने यहाँ पे रख दी है अब मैंने यहाँ पे दो तीन चीज़ें नहीं लिखी है वो जल्दी से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डीबी स्टूडेंट इंसर्ट में नहीं करना पड़ेगा ना मुझे इस तरीके से तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट ठीक है एंड मैं कुछ इस तरीके से ठीक है मैंने ये कर दिया अब देखो यार सिंपल सी बात है मैंने आप इस तरीके से चीज़ें पास कर दी हैं इसके अंदर आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एरर क्या थी डी ओ सी मस्ट बी एरे ऑफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्या पास करना है आपको इस तरीके से यहाँ पे एक एरे पास करना है आपको यहाँ पे इस तरीके से एक एरे पास करना है और यहाँ पर इस एरे को बंद करना है क्योंकि एरे के अंदर होंगे वो सारी चीज़ें तो आपको कुछ इसको इस तरीके से रखना है ओके इसको बाहर रखना है इस तरीके से इस तरीके से रखना है आप लोग क्लियरली देख सकते हो यार आप लोग क्लियरली देख सकते ये हो ये एरिया यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे बंद हो रहा है और इसके अंदर एक ये है इतन और एक ये है और एक ये है इस तरीके से यहाँ पे तीन है अब यहाँ पे सब कुछ सही है और जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से बाहर आके इसके एंटर मारता हूँ ये देख सकते हो बढ़िया यहाँ पे हमारा डेटा है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है एक्नोलॉजी ट्रू आ चुका है इंसर्ट जो हमारी आईडीज़ हैं ये हमारी पहली इंसर्ट आई है ये जीरो इंडेक्स बता रहा है तो इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट आई ये है ना ये किसकी है ये पहले वाले की है इसी के साथ साथ जो वन है इन ऑब्जेक्ट आई डी ये आपके दूसरे वाले की है और ये जो सेकंड इंडेक्स नंबर पे ऑब्जेक्ट आई डी है ये आपके सिंपल तीसरे वाले की है ठीक है इस तरीके से अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो डेटा मैंने इंसर्ट करा वो किस तरीके से दिखाई देता है जैसे मैं पे लिखता हूँ सिंपल डी बी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड ठीक है मैंने सही लिखा गया सब कुछ सही लिखा यार और इंटरप्रेज करेंगे ये देख सकते हो यार ये देख सकते हो आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहला सिंपल ठीक है देन आपका दूसरा और देन आपका सिंपल तीसरा फिर आपका ये चौथा हो चुका है और देखो सचिन यहाँ पे ऐड करा था ना मैंने देखो पहले सचिन ऐड करा था देखो सचिन भी यहाँ पे ऐड हो चुका है और फिर आपका ये लास्ट का आ रहा है तो आप लोग मुझे बताओ यार आप लोग इनसेट वन का भी यूज़ करके एक एक डेटा ऐड कर सकते हो अगर आपको बहुत सारे डेटा ऐड करने हैं तो आप लोग करोगे क्या आप लोग सिंपल कुछ नहीं करोगे आप लोग को तो सिंपल यहाँ पे इनसेट मेनी का यूज़ करना है ये आप लोग यहाँ देख सकते हो इनसेट मेनी का यूज़ करना है और इसका यूज़ करके आप बहुत सारे डेटा ऐड कर सकते हो लेकिन आपको याद में क्या रखना है इसको इस तरीके से यहाँ पर एरे पास करना है और ये एरे टाइप आपको यहाँ पर पास करना है और इसमें आपको इस तरीके से जो हमारे क्या है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐड करते जाना है रिकॉर्ड आपको यहाँ पे ऐड करता जाना है तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डेटाबेस इंसर्ट होता जाएगा सोयर आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी अगर इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे जरूर कमेंट करना रिप्लाई आपको मिल जाएगा प्रॉपरली सोर अभी के लिए इतना तो ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम